Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दीपिका कक्कर और उनके पति शोएब इब्राहिम पहुंचे अजमेर शरीफ की दरगाह पर, जहां शोएब इब्राहिम की बहन साबा भी अजमेर शरीफ के दर्शन करने पहुंची, क्योंकि दीपिका कक्कर की विश थी बिग बॉस जीतने के बाद वो अजमेर शरीफ की दरगाह में दस्तक दे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अजमेर शरीफ का सुहाना सफर। राजस्थान में स्थित अजमेर शरीफ की दरगाह एक देखने योग्य जगह है, जहां पर हजरत ख्वाजा मुरुद्दीन चिश्ती की मजार है। अजमेर शरीफ भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है, जहां पर न केवल मुस्लिम बल्कि दुनिया भर के हर धर्म के लोग खींचे चले आते हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाने गए। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलुक हजरत ख्वाजा मुरुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह में आने वाले पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने 1332 में यहां पर यात्रा की थी। दोस्तों अजमेर शरीफ की एक और खास बात, वहां का जलहरा। दरगाह के अंदर एक स्मारक है, जो कि हजरत मुरुद्दीन चिश्ती के समय के दौरान पानी का मुख्य स्रोत था। आज भी इस जलहरे का पानी दरगाह के पवित्र कामों में लिया जाता है। दोस्तों रोजाना नमाज के बाद सूफी गायकों और भक्तों के द्वारा अजमेर शरीफ के हॉल में महफिले समा में अल्लाह की महिमा करते हुए कवालियां गाई जाती। दोस्तों अजमेर शरीफ की एक और खास बात, निजाम सिक्का नामक आदमी को एक बार एक दिन का नवाब बनाया गया, क्योंकि निजाम सिक्का ने एक बार मुगल बादशाह हुमायूं को बचाया था यहाँ। निजाम सिक्का का मकबरा भी दरगाह के अंदर स्थित है। दोस्तों अजमेर शरीफ के अंदर बनी हुई है अकबर मस्जिद, जहाँ पर वर्तमान समय पर मुस्लिम धर्म के बच्चे को कुरान की तालीम यानी शिक्षा प्रदान की जाती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक करना। इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।